भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि श्रावण मास का जो सोमवार होता है उसका व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। वैसे तो सभी भक्तजन अपनी अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं, लेकिन श्रावण सोमवार व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। वैसे यदि देखा जाए तो 16 सोमवार, श्रावण सोमवार, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि, शिव चतुर्दशी, इनके जो व्रत होते हैं वो प्रायः सामान्य तौर से ही एक प्रकार के नियम में पालन किए जाते हैं। यानी भगवान शिव जी के जितने भी व्रत होते हैं उन सभी के नियम एक जैसे ही होते हैं। तो यदि आप श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सबसे पहला नियम ये पालन करना चाहिए कि सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद शुद्ध और पवित्र कपड़े पहनना चाहिए, यानी धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए। फटे या फिर मलिन वस्त्र यानी मैले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए और शिव पूजा में हमेशा स्वच्छ, पवित्र और श्वेत वस्त्र या फिर अन्य सुंदर रंग के ही कपड़े धारण करना चाहिए। शिव पूजा में कभी भी काले कपड़े पहनना जो है वर्जित माना गया है, यानी काले कपड़े पहन करके शिव पूजा नहीं करनी चाहिए। तथा जो श्रावण सोमवार का व्रत करता है उसको स्नान करने के बाद शुद्ध पवित्र अवस्था में मस्तक पर तिलक लगा करके और सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के बाद मानसिक रूप से कहे कि आज मैं श्रावण सोमवार का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। प्रातःकालीन वेला में बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के या शिवालय में जाकर के या फिर अपने घर में यदि शिवलिंग है तो उनका पूजन अर्चन करें। सर्वप्रथम बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण किया जाता है, उसके बाद उनको दूध चढ़ाया जाता है, फिर शुद्ध जल चढ़ाया जाता है और उसके बाद बाबा भोलेनाथ को दही से स्नान करवाया जाता है और उसके बाद घी से स्नान करवाया जाता है। बीच में शुद्ध जल का स्नान भी आवश्यक होता है और उसके बाद उनको आप शहद से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर शक्कर से स्नान कराएं, फिर चंदन के जल से यानी अष्टगंध के जल से स्नान कराएं, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, इत्र के जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फल के जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, अक्षत और पुष्प के जल से भी आप स्नान करवा करके गंगा जल और शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर बाबा भोलेनाथ को वस्त्र अर्पण करें। वैसे तो आप इनको सफेद वस्त्र जरूर अर्पण करें, सफेद धागा, सफेद कलावा या सफेद जो सूत आता है वो बाबा भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए। सफेद कपड़े बाबा भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होते हैं। उसके बाद उनको जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं, जिसे यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। उसके बाद बाबा को चंदन का तिलक लगाएं, तीन उंगलियां जो होती है उससे त्रिपुण की आकृति बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना चाहिए। वैसे तो शिवलिंग को निराकार माना गया है, उनका मुंह या आकृति कहीं पर भी नहीं होती है, लेकिन उनके मस्तक पर त्रिपुंड का तिलक लगाएं, फिर अक्षत चढ़ाएं। बाबा भोलेनाथ को जो अक्षत चढ़ाए जाते हैं, अक्षत का मतलब होता है चावल। चावल कभी भी टूटे फूटे या खंडित नहीं होना चाहिए, हमेशा जो है आपको साबुत चावल ही उनको चढ़ाना चाहिए और चावल को गीले करके ही बाबा भोलेनाथ को अर्पण किए जाते हैं। उसके बाद उनको पुष्प यानी फूल चढ़ाएं, पुष्प की माला चढ़ाएं, बिलपत्र चढ़ाएं। बिलपत्र की जो डंडी होती है ऊपर की, उसको थोड़ा सा तोड़ करके उल्टा बिलपत्र भोले बाबा को अर्पण किया जाता है। तीन पत्तियों वाला बिलपत्र सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शमी पत्र उनको अर्पण करें, आंकड़े के यानी अकव्य के पुष्प चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं और अनेक प्रकार के जो पुष्प होते हैं वो बाबा को अर्पण किए जाते हैं। उनको इत्र लगाएं, भांग अर्पण करें, भस्म अर्पण करें तथा उनको आप धूप और दीप दिखाएं।
उसके बाद हाथ धोएं और हाथ धोने के बाद बाबा भोलेनाथ के सामने दूध से बनी मिठाइयां अर्पण करें, फल अर्पण करें, पंचमेवा जैसे काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता इत्यादि जो भी पंचमेवा आपके पास उपलब्ध हो तो वो अर्पण करें। और उसके बाद बाबा भोलेनाथ को पान का बीड़ा, लौंग, इलायची, सुपारी के साथ अर्पण करें। उसके बाद अखंड श्रीफल यानी नारियल बाबा को अर्पण करें। नारियल के ऊपर कुछ पैसा रख के दक्षिणा अर्पण की जाती है। उसके बाद सावन सोमवार की कथा सुने और आरती उतारें। आप चाहें तो आरती उतारने के बाद भी सावन सोमवार की कथा का श्रवण कर सकते हैं। इस प्रकार बाबा भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना चाहिए। कई लोगों में एक धारणा है कि तुलसी जी का जो पत्ता है वो शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा किसी भी शास्त्र में मना नहीं किया गया है कि तुलसी जी का पत्ता शिवलिंग के ऊपर अर्पण नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में यह लिखा हुआ है कि तुलसी पत्र से पूजित शिवलिंग का यदि कोई मनुष्य दर्शन करता है तो उसके जितने भी पाप होते हैं, चाहे वो कितने ही जन्मों के पाप हो, कठिन से कठिन पाप किए हों, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुलसी जी का पत्ता और तुलसी जी की जो मंजरी होती है वो शिवलिंग के ऊपर अवश्य अर्पण करना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप हल्दी, मेहंदी, सिंदूर अर्पण करते हैं, रोली चढ़ाते हैं, तो वो आपको पार्वती स्वरूपा जलाधारी के ऊपर अर्पण करना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर अबीर गुलाल, जिसे घोडर गुलाल कहा जाता है, वो अर्पण किया जाता है। लेकिन हल्दी, मेहंदी, सिंदूर जो होता है वो जलाधारी के ऊपर ही आपको अर्पण करना चाहिए। और बाबा भोलेनाथ की अच्छी प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आपके पास कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है तो उसके स्थान पर आप चावल अर्पण कर सकते हैं। कहा गया है कि सर्वे अभावान अक्षतान समर्पयामि। यदि हमारे पास किसी वस्तु का अभाव है या कोई पूजा की वस्तु उपलब्ध नहीं है तो उसके स्थान पर यदि आप चावल चढ़ा देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे, तो आपको उस वस्तु को चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार पूजा अर्चना करने के बाद बाबा भोलेनाथ की आरती उतारे, क्षमा प्रार्थना करें और अपने आसन के नीचे जल छोड़ करके अपने दोनों नेत्रों से और तिलक स्थान पर लगा करके प्रणाम करके ही आपको उठना चाहिए। और जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं उनको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। अन्य भक्तजन पी सकते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण यदि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं तो वो अशुद्ध या अपवित्र माने जाते हैं। यदि आप शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल पीना चाहते हैं तो शिवलिंग का जो चढ़ा हुआ जल है उसको पहले भगवान शालिग्राम यानी विष्णु स्वरूप को अर्पण करने के बाद उसका चरणामृत आप पान कर सकते हैं, कोई दोष आपको नहीं लगेगा। सावन सोमवार के दिन जो भक्तजन माताएं बहने व्रत करते हैं वो सुबह के समय फलाहार इत्यादि ले लें, लेकिन ध्यान रखें दूध या दूध से बनी वस्तुएं नहीं खाना चाहिए। बैंगन नहीं खाना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और तीन प्रहर व्यतीत हो जाने के बाद यदि आप शाम को भी पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो पूजा अर्चना करके और तीन प्रहर व्यतीत होने के बाद में आपको शाम के समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह भोजन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बहुत ज्यादा मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना सात्विक भोजन करेंगे उतना ही आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और यदि आप बहुत ज्यादा भूखे नहीं रह पाते हैं तो आप दिन में अच्छी प्रकार से नमक वाला फलाहार कर लेवे, अपनी रुचि के अनुसार फलाहार कर लेवे, लेकिन आपको भोजन शाम के समय ही करना चाहिए। तीन प्रहर व्यतीत हो जाने के बाद आपको भोजन करना चाहिए। कई भक्तजन माताएं बहने पूरे दिन व्रत रखते हैं, शाम को भी भोजन नहीं करते हैं, तो उनकी जैसी रुचि हो, जैसा उनका शरीर साथ दे, उसी प्रकार उनको व्रत धारण करना चाहिए। इसी तरह यदि आप 16 सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं तो कई भक्तजन पहले सोमवार से शुरू कर लेते हैं तो कुछ शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू करते हैं। अपने अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार 16 सोमवार का व्रत धारण करते हैं, 16 सोमवार तक लगातार व्रत करते हैं और उसके बाद 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करवाया जाता है।
यदि आप सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो सावन सोमवार का व्रत भी आपको उद्यापन के रूप में प्रभु को समर्पण करना चाहिए। आप चाहें तो स्वयं उद्यापन अपने घर में मंदिर में करवा सकते हैं या पंडित जी के माध्यम से उद्यापन का संकल्प करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी उद्यापन की विधि आप संपन्न करवा सकते हैं। और इसी तरह यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं, शिव चतुर्दशी का व्रत करते हैं, शिवरात्रि का व्रत करते हैं, तो सभी व्रत का अपने जीवन काल में कम से कम एक बार आपको उद्यापन अवश्य करना चाहिए या ब्राह्मण देवता के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप सावन सोमवार के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं, या फिर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे माध्यम से नगद धन राशि भेज करके, अपना नाम और गोत्र हमें भेज करके, और सोमवार का या श्रावण मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।